नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सनराइज D360 के कैप्सूल का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी जो नई वीडियो आती है उसके अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। दोस्तों ये जो सनराइज D360 के कैप्सूल मार्केट में आती है, हीलिंग फार्मा कंपनी के आती है, ये 8 गोली का कैप्सूल का पैक रहता है। ये जो 8 गोली का कैप्सूल का पैक मार्केट में आता है, जिसकी कीमत रहती है 258 रुपये और 85 पैसे, यानी 258 रुपीज़ एंड 85 पैसा। तो पूरी जानकारी लेंगे, ये दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले है। दोस्तों इसके अंदर चोलो कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन D3 1.5 mg इक्वल टू 60,000 यूनिट्स, ये इसका कंटेंट है। सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है, विटामिन D3 इसका कंटेंट है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो सनराइज D360 के कैप्सूल मार्केट में आती है, इट इज़ यूज टू ट्रीट लो ब्लड कैल्शियम लेवल। इट इफेक्टिवली ट्रीट वेरियस कंडीशन इन द बॉडी लाइक विटामिन D3 डिफिशियंसी, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। इसके लिए ये चलती है, यानी जिन किन को विटामिन D3 की कमतरता है, बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है, ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह आपके शरीर को कैल्शियम को अवशेषित करने में मदद करता है, कैल्शियम मजबूत करता है और स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने के लिए ये अवश्य है। तो बढ़िया कॉम्बिनेशन कंपनी ने किया है दोस्तों, सनराइज D360 के। आपको जो विटामिन D3 की कमतरता है उसके लिए बढ़िया दवा है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपको मलमल हो सकता है, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, पेट में गड़बड़ हो सकती है और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है। जनरली इसको 1 कैप्सूल इन अ वीक यानी हफ्ते में 1 ही गोली लेना है, महीने में 4 गोली लेना है, 1 कैप्सूल इन अ वीक। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।